हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मेरी मोटिवेशन वीडियो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम गजेंद्र सिन्हा है। वहाँ हार कर भी खुद से जीत गया था हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक़ था। उसने कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वहाँ एक भी रेस को पूरा नहीं कर पाया था। उसने आज ठान लिया कि मैं किसी भी हाल में उस रेस को पूरा जरूर करूंगा। रेस शुरू हो गई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सारे धावक आगे की ओर बढ़ता चला गया। हरीश थक गया और रुक गया और खुद को बोलने लगा कि मैं दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, चल तो सकता हूँ। तो उसने वैसा ही किया और आगे की ओर चलता गया। वहाँ आगे जरूर बढ़ रहा था और उसने धीरे 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 आगे बढ़ते गया और वहाँ सामने गड्ढा पे गिर पड़ा और खुद को फिर बोलने लगा कि मैं आज किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कठिनाई में आज मैं इस रेस को पूरा करके ही रहूँगा। और उसने वापस लड़खड़ाते हुए आगे की ओर चलता गया, आगे की ओर चलता गया और वहाँ अंततः रेस पूरा कर गया। माना कि वहाँ रेस हार चुका था, लेकिन उसके दिल पे विश्वास, उमंग चरम सीमा पर था, क्योंकि वहाँ इतना मैराथन में भाग ले चुका था लेकिन एक भी मैराथन में पूरा कर नहीं पाया था। लेकिन आज उसने पूरा कर दिखाया। वहाँ जमीन पर लेटा पड़ा था। उसके पैरों में इतना मांसपेशियों का तनाव बढ़ गया था, फिर भी चेहरे पर बहुत मुस्कान था, क्योंकि वहाँ हार कर भी जीत गया था। तो दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम भी ऐसा ही करते हैं। हमारे लाइफ में ऐसी ही परिस्थिति आती है तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, दोबारा लौट के नहीं देखते। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो और आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको परेशानी हो रहा है या दिक्कत हो रही है, तो आप 5 घंटे अपने परेशानी और दिक्कत को दो और 5 घंटे अपने पढ़ाई पे लगा दो। अपने पढ़ाई को कभी भी दूसरी की वजह से, दूसरी की परिस्थिति से कभी भी मत छोड़ना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटा छोटा कदम बढ़ाते जा, यही है सफलता के नियम। आगे बढ़ते जा, आगे बढ़ते जा। तो दोस्तों, इस मोटिवेशन से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताना।